पीडियाट्रिक सर्जन नैना सुस्किन कहती हैं, माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। वे बच्चे के दिमाग को पहली खुराक देते हैं। एनाटॉमिकल, साइकोलॉजिकल और जीन स्टडी के अनुसार एक बच्चे का दिमाग 2 साल तक काफ़ी विकसित हो जाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगता है, उन्हें जानने लगता है, उसे चीज़ें याद भी रहती हैं और नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चे से खूब बात की जाए, उसे प्यार दुलार दिया जाए, तो वो जल्दी बोलने लगते हैं, उनका उच्चारण भी बेहतर होता है और आने वाले समय में उनकी रीडिंग स्किल बेहतर होती है, उनका शब्द भंडार ज़्यादा अच्छा होता है और IQ लेवल भी ऊँचा होता है। एक स्टडी से यह बात सामने आई है कि जिन बच्चों से उनके 18 से 24 महीने की उम्र तक प्यार दुलार के साथ खूब सारी बातें की गई हैं, उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है। ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि बच्चे की खास तरह से परवरिश की जाए, जिसमें उन्हें अक्षर ज्ञान देने के साथ बोलने की भी आदत डाली जाए। स्थितियों को बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाना ज़रूरी है, जैसे माता पिता को बच्चा होने के बाद लंबी अवधि के लिए पेड पेरेंटल लीव दी जाए। यदि ये संभव नहीं हो तो माता या पिता में से कोई एक बच्चे के 25 महीने के होने तक अपने काम के बजाय बच्चे को प्राथमिकता दे, या फिर छोटे बच्चों की घर में ही बेहतर शिक्षा का प्रबंध किया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, माता पिता को बच्चों की परवरिश के लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।